हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं इस चैनल की होस्ट हूँ, मेरा नाम इफ़ा शेख है। तो आज इस ट्यूटोरियल में हम लोग अफ़गानी शलवार बनाना सीखेंगे। एंड जो मैंने फैब्रिक लिया है यहाँ पे जॉर्जेट में लिया है, एंड जो मैंने कपड़ा लिया है यहाँ पे 2 मीटर का है। तो आप 2 मीटर के फैब्रिक में आराम से अफ़गानी शलवार बना सकते हो। मैंने इस ट्यूटोरियल में कटिंग एंड स्टिचिंग दोनों बताया है, तो मेरा वीडियो बिना स्किप करे पूरा एंड तक ज़रूर देखें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैंने ऐसे फैब्रिक को यहाँ पे फोल्ड करके रख दिया है, सिंगल फोल्ड में करा है। 2 लेयर्स 1 मीटर का फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ। इस तरह मैंने इसे फैब्रिक को और एक बार ऐसे फोल्ड कर दिया, तो टोटल ये 4 लेयर्स बन गए हैं। आपको ध्यान में रख के ऐसे फोल्ड कर लेना है। 4 लेयर्स बन गई है। वन साइड मेरी तरफ फेस कर रहा है एंड खुला दूसरी तरफ फेस कर रहा है। तो इस तरह आपको प्लेस कर लेना है एंड इसकी जो कटिंग होने वाली है वो बिल्कुल सिंपल सलवार की तरह ही होगी। तो चलो चलते हैं मेजरमेंट की तरफ। यहाँ पे फुल लेंथ है 37 इंच, उसमें से नीचे बॉटम की तरफ 2 इंच की पट्टी अलग से लगेगी। तो 37 में से हम 2 माइनस कर लेंगे तो 35 इंच बचेगा। 35 इंच में प्लस 1 इंच एक्स्ट्रा हम लोग मार्क कर लेंगे स्टिचिंग के लिए। तो टोटल आपको यहाँ पे 36 इंच लेना है। तो ये 36 इंच कैसे लेते हैं वो मैं यहाँ पर बता दूँगी, आप देख लीजिए। यह होता है पूरा 36 इंच फुल लेंथ लेना है बेल्ट के साथ। बेल्ट के साथ पूरा लेंथ बन रहा है 36 इंच। उसमें से हम लोग 6 इंच का रेडी बेल्ट चाहिए। तो इस तरह हमें 6 इंच के पास ऐसे फोल्ड करके ऐसे मैं टेप मार्क कर लूँगी, ऐसे फैब्रिक पे टेप रख दूँगी 6 इंच की तरफ। ऐसा ऊपर 6 इंच का टेप छोड़ के ऐसे मैं फैब्रिक में मार्क करूँगी। ध्यान से देख लीजिए, ऊपर मैंने 6 इंच ऐसे छोड़ा है, ऐसे टेप रखा है मैंने फैब्रिक पे, एंड जहाँ पे 36 इंच आता है उधर आपको मार्क कर लेना है ऐसे। आप ये सेम मेथड यूज़ करके किसी भी मेजरमेंट की आप अफगानी शलवार बना सकते हो। 6 इंच का बेल्ट लेना है एंड यहाँ आपके आपको फुल लेंथ जितना आता है को कैलकुलेशन यूज़ करके वो मार्क कर लेना है। जैसी सिंपल सलवार की कटिंग होती है सेम उसी तरह अफगानी शलवार की भी होती है। बस ये नीचे जो बॉटम है आपको यहाँ पे बस चौड़ाई रखना है, ऊपर का जितना आपका पैनल का है नीचे भी आपको उससे 2 इंच कम रखना है। जितना चौड़ाई ऊपर है नीचे का भी उतना चौड़ा रख सकते हो आप बिना कट करे, या तो 2 इंच कम भी रख सकते हो। एंड ये जो क्रॉच मैंने यहाँ पर लिया है वो 6 इंच का है। तो यहाँ पे 6 इंच की बेल्ट है, 6 इंच का क्रॉच है, तो टोटल 12 इंच। तो 12 इंच का मेरा क्रॉच रहेगा। तो आप अपने क्रॉच के हिसाब से भी कटिंग कर सकते हो। एंड ये बॉटम जो मैं बता रही हूँ यहाँ पे आपका जितना ऊपर चौड़ाई है उतना नीचे रख सकते हो, या तो उसे 2 इंच कम रख सकते हो। यहाँ पे मैं नीचे जो बॉटम लेने वाली हूँ वो कम से कम 17 इंच का लंबा मैंने ले लिया, ऐसे फोल्ड करके 17 इंच बढ़ रहा है। ओपन करने में ये ज़्यादा 34 इंच हो जाएगा। तो ये 4 टाइम फोल्ड है तो 17 इंच। आप जैसे कि देख सकते हो जितना आपका ऊपर का पैनल है नीचे भी उतना भी रख सकते हो, या इस साइड से 2 इंच कम करके भी रख सकते हो, या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हो। चलो इसकी कटिंग कर लेते हैं। एंड जैसे सिंपल सलवार स्टिच करना है उसी तरह आपको ये स्टिच कर लेना है। यहाँ पे जो बेल्ट रहेगी वो आप अपने हिसाब से ले सकते हो। जितना भी आपका हिप्स रहेगा उसमें आप 10 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर लेना लूजिंग के लिए, क्योंकि ये बेल्ट होता है एंड ये लूज ही होता है ज़्यादातर। तो आप अपने चौड़ाई के हिसाब से आप ले सकते हो। तो जितनी हमको लंबाई चाहिए था हमने ले लिया। अभी चौड़ाई इसमें क्या करना है, हमको 6 इंच का बेल्ट रेडी चाहिए। तो उसमें हम लोग 3 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर लेंगे, क्योंकि वहाँ पे इलास्टिक के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा फोल्डिंग के लिए चाहिए एंड 1 इंच एक्स्ट्रा स्टिचिंग के लिए। तो 6 इंच का बेल्ट रहेगा तो 3 इंच हम एक्स्ट्रा ऐसे जोड़ लेंगे, 9 इंच बन जाएगा। तो 9 इंच पर हम ऐसे मार्क करके इसको वापस ऐसे कटिंग कर लेंगे। मैंने यहाँ पे ये कट करके रख लिया है। अभी नीचे हम लोग बॉटम की पट्टी कट करेंगे। तो बॉटम की पट्टी हम लोग यहाँ पे 15 इंच आधा फोल्ड करके यहाँ पे 15-15 इंच की पट्टी लेंगे एंड 4 इंच चौड़ाई में ऐसे लेंगे हम लोग।
इसको हम बीच में से कट करेंगे तो ये दो पोंचे की बन जाएगी, 15 इंच एक पोंचे की एंड और एक 15 इंच दूसरे पोंचे की। तो ये 15 इंच लंबाई है एंड इसकी चौड़ाई 4 इंच है। ये मैंने यहाँ पे लिया है बेल्ट जो मैंने कट किया है, तो 6 इंच का जो बेल्ट था उसमें 3 इंच एक्स्ट्रा मार्क कर लिए, तो ये 9 इंच का मैं यहाँ से पट्टी ले ले रही हूँ। जो बेल्ट रहेगा इसमें जैसे कि आप सिंपल सलवार में स्टिच करते हो उसी प्रकार आपको स्टिच करना है, नाड़े के लिए थोड़ा जगह छोड़ के जैसे मैं यहाँ पर बता रही हूँ उसी प्रकार आपको ये स्टिच कर लेना है। स्टिच करने के बाद कुछ इस तरह दिखता है, यहाँ पे नाड़े का मैंने बना दिया है, यानी पूरी तरह से रेडी है बेल्ट। अभी नीचे हम लोग यहाँ पे प्लीट्स भी ले लेंगे। प्लीट्स लेने के बाद नीचे बॉटम में कैसे स्टिच करना है वो भी हम साथ ही में इसी वीडियो में देखने वाले हैं। यहाँ पर मैंने दोनों पैनल्स एक साइड फेस करते हुए रखा है एंड जैसे मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको क्रॉच एरिया ऐसे स्टिच करना है जितना मैं बता रही हूँ उतना ही, तो ये आपको उसी तरह स्टिच करना है, 7-7 इंच का क्रॉच एरिया। तो यहाँ पे मैंने दोनों राइट साइड ऐसे फेस करते हुए फैब्रिक रखा है क्योंकि ऊपर उल्टी तरफ स्टिचिंग आएगा। तो यहाँ पे आप अपनी टेप की मदद से वापस सीधा मेजर करके जितना आपका क्रॉच आ रहा है उतना आप कर सकते हो, या तो एक्स्ट्रा आप अंदर की तरफ भी कट करके रख सकते हो। तो मैं यहाँ पे फैब्रिक कट नहीं करती हूँ, डायरेक्ट मैं 7 इंच ऐसे मार्क करके स्टिच कर लूँगी क्रॉच। मैंने दोनों साइज़ के क्रॉच स्टिच कर दिए। स्टिच करने के बाद ऐसे आपको ऐसे रखना है, आप देख सकते हो स्टिच होने के बाद इस तरह दिखता है। एंड यहाँ पे आपको प्लीट्स लेना है, तो ये ऊपर का बेल्ट रहेगा एंड जो प्लीट्स लेना है आपको इस तरफ प्लीट्स लेना है, दोनों एक ही तरफ फेस करना है एंड ये बॉटम में भी आपको प्लीट्स लगाना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ कि प्लीट्स कैसे लेते हैं। इसके पहले वीडियो में भी मैंने सिंपल सलवार के वीडियो में सब शेयर कर दिया है स्टिचिंग एंड कटिंग, वहाँ पे भी जाके आप डिटेल में देख सकते हो। यहाँ मैं सेपरेटली प्लीट्स वगैरह नहीं लूँगी, मैं डायरेक्ट बेल्ट के ऊपर जो ये पैनल्स रख के डायरेक्ट मैं प्लीट्स लेके साथ ही साथ मैं स्टिच करने वाली हूँ। तो आपको बस ये ध्यान के रखना है कि ये जो प्लीट्स है दोनों एक ही तरफ फेस करना है, जैसे मैं यहाँ पर बता रही हूँ दोनों एक ही तरफ फेस करना है, आपको स्टिचिंग करते समय ध्यान रखना है। अभी मैं इसकी स्टिचिंग कर दूंगी डायरेक्ट मशीन पे। जैसे कि आप देख सक रहे हो मैंने ऐसे बेल्ट रखा है यहाँ पे एंड इसका राइट साइड ऊपर है, सेम उसी तरह मैं पैनल का भी राइट साइड उसी फेस करते हुए रखूँगी। दोनों को इस तरह आप देख सकते हो दोनों राइट साइड एक ही जगह फेस कर रहे हैं एंड ऊपर मैं इस तरह पैनल्स यहाँ पे रख दूँगी एंड यहाँ पे प्लीट्स लेके मैं कंटिन्यू स्टिच करती जाऊँगी। बस उतना आपको ध्यान रखना है, प्लीट्स दोनों एक ही तरफ फेस करना है जैसे मैं यहाँ पर बता रही हूँ, एक दूसरे की तरफ ऐसा फेस करना है, वैसे आप पूरा राउंड में पूरा आपको स्टिच कर लेना है। यहाँ पे ये पोंचे के फैब्रिक है जो मैंने कट किए थे, 4 इंच चौड़ाई एंड 15 इंच की लंबाई। तो इसके लिए आपको कैनवास भी रेडी कर लेना है। ये मैंने कैनवास रेडी कर लिया है एंड ये भी मैं रेडी करके रख दूँगी। पोंचा इस तरह कैनवास ऐसे प्लेस करके ऊपर फैब्रिक फोल्ड करके मैं कैनवास को अटैच कर दूँगी, उसके बाद आप डायरेक्ट ये पोंचे पर रख के स्टिच कर सकते हो। मैंने प्लीट्स ले लिए हैं, अभी ये नीचे बॉटम है तो ये बॉटम में मैं मिडिल निशान ऐसे मार्क कर लूँगी। इस पोंचे पे भी मैं मिडिल निशान मार्क कर लूँगी क्योंकि जो यहाँ पे आपको प्लीट्स लेना है आगे पीछे सब एक ही समान आना चाहिए प्लीट्स, तो आपको सामने भी एंड पीछे भी दोनों तरफ इसके प्लीट्स लेना है, सब एक ही डायरेक्शन में फेस करना है एक दूसरे की तरफ। तो इस वीडियो में आप देख लीजिए मैं कैसे कर रही हूँ। यहाँ पर इस तरह मैंने ये जो बना के रखे हैं पोंचे इसका भी मैं मिडिल मार्क कर लूँगी ऐसा। अभी जो पोंचे का हमने मार्क किया है निशान वो एंड नीचे पोंचे का ये निशान दोनों एक तरफ ऐसे रख दूंगी क्योंकि फैब्रिक जो है बॉटम का इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए सामने पीछे।
तो ऐसे मैं आपको यहाँ रफली बता दे रही हूँ कि प्लेट्स कैसे डालना है। ये ऐसे प्लेट्स ऐसे डालना है, बराबर आना है उसको। एंड ये साइड पे भी आपको सेम डायरेक्शन में प्लेट्स डाल देना है। यहाँ पे नीचे आपको प्लीट्स जैसे आपने ऊपर ली है पैनल पे, नीचे भी उसी तरह आपको यहाँ पे प्लीट्स लेना है। दोनों एक दूसरे को ऐसे फेस करना है, जैसे कि आप देख सक रहे हो यहाँ पे ऐसे फेस करना है। देख सकते हो आप एक ही डायरेक्शन में स्टिच है, सामने का एंड पीछे का। एंड ये पोंचे को भी आपको उसी तरह करना है, दोनों एक ही तरह फेस करना है। तो कंप्लीट लुक आप लास्ट में एंड में देख सकते हो कैसे लगता है। यहाँ पे एक बार चेक कर लेना, ऊपर जहाँ पे भी आपके फेस कर रहे हैं प्लेस, नीचे भी बॉटम में उसी तरह उसी डायरेक्शन में फेस करने चाहिए। देखिए पूरा कंप्लीट स्टिच करने के बाद कुछ इस तरह दिखता है। तो आप देख सकते हो सारे प्लीट्स एक ही डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं और ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे फ्रंट एंड बैक दोनों साइड। अभी यहाँ आपको टॉप पे स्टिच करना है एंड बॉटम में एक एक स्टिच कर लेना है ताकि वो अच्छी तरह से फिक्स हो जाए। दोनों तरफ प्लीट्स लेने के बाद बॉटम में कुछ इस तरह दिखता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर दोनों प्लीट्स एक ही डायरेक्शन में फेस कर रही है, एक दूसरे के डायरेक्शन में, ये इस तरफ एंड ये इस तरफ। तो मैंने यहाँ पर टॉप बॉटम दोनों भी स्टिच कर लिया है, आप देख सकते हो यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे ऐसे फाइनल स्टिच लगेगी जैसे मैं यहाँ पे बता रही हूँ, आपको उतना स्टिच कर लेना है। एंड जो नीचे की मैंने पोंचे की चौड़ाई रखी है वो 6-6 इंच की रखी है, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हो जितना आपको लूजिंग चाहिए। तो मैंने 6-6 इंच की रख दी है। ये रहा इसका अफगानी शलवार का फाइनल लुक। तो आप ये किसी पे भी आउटफिट पे कैरी कर सकते हो, कुर्ते पे तो बहुत अच्छा जाएगा एंड ये वाइट कलर का काफ़ी अच्छा जाएगा सारे कुर्ते पे। तो गाइस इस तरह के और भी वीडियोस आते रहेंगे, मैं बहुत सारी चीज़ें मैं शेयर करने वाली हूँ मेरे चैनल पे, कटिंग स्टिचिंग सब कुछ मैं डिटेल में बताने वाली हूँ। तो अगर आपको मेरे वीडियो के अपडेट चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड नोटिफिकेशन पे ज़रूर क्लिक करना ताकि आपको जो भी मेरे वीडियो है उसका अपडेट मिल सके। मेरा चैनल देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।